हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 10 साइंस वर्कशीट 25 जो आपकी 31 अगस्त की यानी कि मंडे की वर्कशीट है। इसके अंदर भी हम जो अपना लाइफ प्रोसेस का जो टॉपिक है, चैप्टर जो है, उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। इससे पहले जो हमने किया था उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पिछली वर्कशीट में जब मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए तो मैंने आपको एक डिफरेंस करवाया था, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। या आपने पढ़ा होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है या अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसके अंदर जो डिपेंड करता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पहले ये मेक श्योर करना पड़ता है कि ऑक्सीजन जो पूरी क्वांटिटी में उनको मिली है या नहीं, ठीक है। और जो प्लांट्स की आज हम बात कर रहे हैं वो रेस्पायर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ते हैं कि प्लांट्स का रेस्पिरेशन है क्या। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है। डिफ्यूजन इज द मेथड बाय विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 O2 टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट द सेल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एयर। स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिकल्स इन द हार्ड एंड वुडी स्टेम्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। देखो प्रोसेस कौन से के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। ऑर्गन्स कौन कौन से टेक पार्ट करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो रूट्स के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं, लीव्स के थ्रू भी करते हैं और स्टेम के थ्रू भी करते हैं, ठीक है। अब जो लीफ होता है उसके अंदर होता है स्टोमेटा, लीफ का जो पार्ट होता है स्टोमेटा, उसका जो ऑर्गन होता है स्टोमेटा, ठीक है, वो रेस्पिरेशन करवाता है। और जो लेंटिकल्स होते हैं, जो हार्ड यानी कि सख्त जो तना होता है वृक्ष का, उसके अंदर वो उसके अंदर रेस्पिरेशन करवाता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। तो आपने ये जो पूरा अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लो इसको, मैं आपको इस फिगर से समझा देती हूँ होता क्या है, ठीक है। ये वाली जो फिगर है दैट इज़ अ फिगर ऑफ स्टोमेटा। ये हमारे पास स्टोमेटा की फिगर है। फर्स्ट वन इज़ क्लोज्ड स्टोमेटा, सेकंड वन इज़ ओपन स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा क्लोज और स्टोमेटा ओपन क्या है कि जब सुबह धूप निकलती है तो स्टोमेटा प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लीफ के अंदर जो स्टोमेटा के पोर्स हैं यानी कि छोटे छोटे जो छेद होते हैं, आप माइक्रोस्कोप में देखना उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनको ना ओपन कर लेता, खोल लेता, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ह्यूमंस ने छोड़ी है वो उसके अंदर से अंदर जा सके। तो CO2 का और ऑक्सीजन, उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई है और ऑक्सीजन जो है वो निकल के बाहर आ सके, ठीक है। सो प्रोसेस क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जाए अंदर और ऑक्सीजन इन टर्न फोटोसिंथेसिस के बाद बाहर आ जाए, ठीक है, ये काम होता है। तो डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों के दोनों जो है वो एक साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब एक साथ होते हैं, बट फोटोसिंथेसिस होता है उसकी रेट कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि रेस्पायर तो रात को भी कर लेगा बट डे टाइम के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ज़्यादा जरूरी होता है, उससे उसको जो खाने के रूप में जो ऊर्जा है वो मिलती है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि डे टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस टेक ले, मतलब फोटोसिंथेसिस होगा किसके अंदर, लीव्स के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में से लेगा और ऑक्सीजन को डिफ्यूज आउट कर देगा थ्रू द स्टोमेटा। मैंने आपको एरो लिखा के दिखाया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, ऑक्सीजन बाहर आ रही है, जिसको हम लेते हैं बाद में रेस्पायर करने के लिए। बट अब क्या है कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन में तो सांस लेते हैं तो क्या पौधे हमारी तरह रात को भी सांस लेते हैं, तो ये बात सही है, पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो रात को भी रेस्पायर करते हैं। वो क्या करते हैं, रात को फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, अब ऑक्सीजन जो है वो जाती है अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो उसको ऑक्सीजन को सोखते हैं, फिर वो जब वो ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो उसके बाद में वो रिलीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी कि ओस जो आती है ना पत्तों के ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज़ करते हैं, ओके, वाटर वेपर्स आप उनको बोल सकते हो, वो जो है वो बाहर, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें जो है वो बाहर निकाल देते हैं, ओके। उसके बाद है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ब्रीद बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वेयर एज एक्वाटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहते हैं वो तो क्या करते हैं, जो हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है उससे ब्रीथ करते हैं, वेयर एज जो एक्वाटिक होते हैं वो क्या करते हैं, डिजोल्व, जो पानी के अंदर डिजोल्व H2O है ना हमारे पास, H2O यानी कि O मतलब ऑक्सीजन है, तो ये जो ऑक्सीजन है इसके थ्रू जो ब्रीथ करना होता है वो करते हैं पानी में रहने वाले जीव जंतु जो होते हैं, जैसे मछली होगी या जो भी जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। द ऑक्सीजन लेवल इज़ हाई इन एटमोसफेयर एंड इट इज़ कम्पेयर टू वाटर, जो बाहर का एटमोसफेयर की जो वातावरण की जो हमारी ऑक्सीजन है उसकी जो मतलब लेवल जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, यानी कि पानी के अंदर वो कम होती है। हैंस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स नीड नॉट ब्रीथ फास्ट टू ऑब्टेन द वेयर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स नीड। अब क्या होता है कि
कि इसी वजह से क्या होता है, लेवल का फर्क होने से जो जमीन पे जो जीव रहते हैं उन वो धीरे धीरे सांस लेते हैं, उनको जल्दी जल्दी सांस लेने की जरूरत नहीं होती, बट एज कंपेयर जो पानी में जीव रहते हैं उनको जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, तो वो जल्दी जल्दी सांस लेंगे तभी वो भरपाई होगी ना उनके पास, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन फिश। अभी इन्होंने बात की थी एक्वेटिक की, और एक हम देख लेते हैं एक्वेटिक जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो फिश जो है, मछली जो है, वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती है। ये आपको दिए हुए हैं गिल्स, गलफड़े जिनको बोलते हैं। आपने छोटी छोटी ऐसी पत्तियां सी देखी होगी साइड में, ठीक है, जैसे फैदर सा लगा होता है ऊपर, बाल से होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, फैदर टच का जो होता है। तो वो जो रेस्पायर करती है वो गिल्स के थ्रू करती है। दीज आर कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स टू फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये जो गिल्स होते हैं ना, ये लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं ताकि ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो हो सके, यानी कि या गैसेस का जो एक्सचेंज है वो हो सके। दीज गिल्स हेल्प द एक्वेटिक स्पीसीज टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। और यही क्या करते हैं, यही गिल्स जो H2O के अंदर ऑक्सीजन है ना उसको यूटिलाइज करवाते हैं किसके थ्रू, ये जो एनिमल्स हैं ये इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। द गिल्स कंटिन्यूसली कीप ऑन मूविंग एंड टेक्स वाटर थ्रू द माउथ एंड फोर्सेज इट थ्रू द गिल्स। अब क्या होता है, मछली क्या करती है, मुंह में से पानी लेती है और उसको एकदम से गलफड़ों में से गिल्स में से बाहर निकालती है, ठीक है। तो अब वहाँ पे जब पानी अंदर गया, एज द वाटर जो है वो पास करेगा थिन वॉल्स ऑफ द गिल्स, ठीक है, द डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल्स में चली जाएगी टू द डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज एंड द बॉडी ऑफ द फिश। यानी कि फिश के जो डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज हैं बॉडी के उनके अंदर चली जाती है। जैसे एकदम से ये आपको दिख रहे हैं ना ब्लड वेसल्स, रेड रेड दिखाई हुए हैं, ठीक है। सो इनके अंदर से जब एकदम से पानी बाहर आता है, आपको एरो दिखाई हुई है, तो ये क्या करता है, उसके अंदर की ऑक्सीजन को सोख लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स बाय एक्सपेलिंग इट टू द सराउंडिंग वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसके अंदर, उसको क्या करता है, गिल्स के थ्रू ही बाहर निकाल देता है। अब हम भी तो सांस नोज के थ्रू लेते हैं और नोज के थ्रू बाहर निकालते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड नोज के थ्रू रिलीज करते हैं, तो वो भी ऐसे ही करते हैं। तो कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स देख लो रेस्पिरेटरी सर्फेस के, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए बिल्कुल, जैसे इसके गलफड़े ना बिल्कुल पतले पतले होते हैं। परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस के परमिएबल होना चाहिए, मतलब वो एक्सचेंज को परमिट करने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि ऑक्सीजन को रोकने वाला हो और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भेजने वाला हो, ठीक है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ध्यान में रखना है, कौन सी अंदर लेके जानी है, कौन सी बाहर छोड़नी है। इट मस्ट बी मोइस्ट आइदर विद वाटर और जो म्यूकस होता है, ठीक है, वाटर यानी कि गीला होना चाहिए, या तो वो पानी से या म्यूकस से। पानी से होता है मछलियों का म्यूकस, हमारे जो नाक में लिक्विड जो पाया जाता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में है इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हम हवा जो अंदर जाएगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ठीक है। उसके बाद में इट शुड बी इट मस्ट बी इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अब डायरेक्ट क्या होता है, जब देखो कोई पेशेंट होता है उसके ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं, ठीक है, वो होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कि सिलेंडर में से उसी तक जा रही है। एक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कि जैसे हम एटमोसफियर के अंदर धरती के ऊपर चल रहे हैं जमीन के ऊपर, तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, हमें बाकी सारी गैसेज भी तो देखने को मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब कुछ होता है वहाँ पे, वो होता है इनडायरेक्ट। और एक डायरेक्ट होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में से ऑक्सीजन निकली है, पाइप के थ्रू पेशेंट के नोज तक गई है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट एंड ड्रा द डायग्राम ऑफ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट, उस पार्ट का आपने डायग्राम बनाना है जो हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो पहली बात है कि प्लांट के अंदर जो सारे पार्ट्स हैं वो रेस्पिरेशन में टेक प्लेस, मतलब पार्ट लेते हैं, चाहे वो रूट्स हैं स्टेम्स हैं, बट मेन पार्ट हमारे पास है प्लांट के जो लीव्स होते हैं, रेस्पिरेशन है वो टेक प्लेस करती है थ्रू द स्ट्रोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर सर्फेस, यानी कि अंदर वाले हिस्से में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप इनको साथ साथ पोज करके ना लिखते जाओ, नीचे आपको डायग्राम दी हुई है, एक आप ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये डायग्राम नहीं बनानी तो मैंने एक डायग्राम और डाली है साथ में, आप ये बना सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ, अब प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं। मैंने आपको दो आंसर दिए हैं, आपकी जो मर्जी हो ना आप उस आंसर को लिख लेना, दोनों ही सही हैं, चाहे आपने दोनों लिखने हैं तो दोनों लिख लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। द लीव्स ऑफ ए प्लांट हैव टीनी पोर्स, अब प्लांट्स ब्रीथ कैसे करते हैं, आप इसको लिखिए कथा को, मैं आपको बताती हूँ कि जो लीव्स होते हैं प्लांट के उनके अंदर टीनी पोर्स होते हैं जिनको स्ट्रोमेटा बोला जाता है, जिनके थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है लीव्स के अंदर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन होता है, ठीक है।
दिस हैपन्स एज फॉलोज, कैसे होता है? ऑक्सीजन जो है वो एयर एंटर करेगी लीफ में थ्रू द स्टोमेटा एंड रीचेज द सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू वो एंटर कर जाएगी, ठीक है। दिस ऑक्सीजन जो है वो यूज होगी इन रेस्पिरेशन इन द सेल्स ऑफ द लीफ। द कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग द डिफ्यूजन, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग इस प्रोसेस के ड्यूरिंग वो डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द लीफ इनटू द एयर थ्रू द स्टेम्स, जो सेम स्टोमेटा जो है उसके थ्रू बाहर आ जाती है, ठीक है। अब जो दूसरी बात हम करते हैं, प्लांट्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस थ्रू स्टोमेटा। देर आर ए लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर्स ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज एंड इन एंड आउट बाय द सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन इज डायरेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। ड्यूरिंग द नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस है वो टेक प्लेस नहीं करता, हैंस कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है, जो है वो यूज नहीं कर पाते प्लांट्स, इसी वजह से क्या होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो एक जो पीपल होता है वो 24 आवर्स जो है आपको ऑक्सीजन जो है वो देता है, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन इज रिलीज इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे, डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने में फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है क्योंकि खाना बनाना नहीं है, फोटोसिंथेसिस करनी नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, ठीक है। उसके बाद में डू प्लांट्स ब्रीथ एट नाइट, ऑब्वियसली प्लांट्स जो है वो जीवित लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सांस लेना पड़ेगा और सांस लेते हैं वो, रिस्पायर करते हैं ऑल द टाइम वेदर इट इज डार्क लाइट, डार्क और लाइट, बिकॉज द सेल्स नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, बट दे कैन ओनली फोटोसिंथेसाइज व्हेन दे हैव लाइट। बट फोटोसिंथेसिस जो है वो रात को नहीं होता है, रिस्पायर वो करते हैं रात को, ठीक है। नाउ है हाउ डज अ फिश ब्रीथ, अब ये हमने अभी अभी पढ़ा था, फिश जो है वो ब्रीथ करती है बाय उसका जो ऑर्गन होता है जिसको गिल्स बोलते हैं। गिल्स क्या होते हैं? फैदरी ऑर्गन्स होते हैं, फैदरी आपने बर्ड्स के फैदर्स देखे होंगे, ठीक है, वैसे ही कुछ होता है जो इसके ऊपर फुल ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं। फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग वाटर इनटू द माउथ एंड फोर्सिंग इट आउट थ्रू द गिल पैसेजेस, एज द वाटर पासिस ओवर द थिन वॉल्स ऑफ द गिल डिजॉल्व ऑक्सीजन मूव्स इनटू द ब्लड एंड ट्रेवल्स थ्रू द फिश सेल। फिश एक्सचेंजेस गैसेस बाय पुलिंग ऑक्सीजन रिच वाटर थ्रू देयर माउथ एंड पंपिंग इट ओवर द गिल्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस के कोई तीन करेक्टरिस्टिक्स, तीन नहीं हमने पांच कर लिए, आपने जो लिखने हैं वो लिख लेना। रेस्पिरेटरी सरफेस हैव लार्ज सरफेस एरिया टू इंश्योर द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट विद एयर और वाटर, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एयर के साथ कॉन्टैक्ट होगा, वाटर के साथ कॉन्टैक्ट होगा, उतना ज़्यादा पानी मुँह में जाएगा, उतनी ज़्यादा एयर मुँह में जाएगी और उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन उनको मिलेगी। रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, गीले होने चाहिए, ठीक है, एक्सट्रीमली थिन होने चाहिए, बहुत पतले होने चाहिए। इनसाइड दे आर इन कॉन्टैक्ट विद कैपिलरी दैट अलाउज द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग एयर और वाटर। दे आर वेल वेंटिलेटेड एंड रिसीव द स्टेडी फ्लो ऑफ एयर और वाटर, और स्टेडी फ्लो यानी कि लगातार एक जैसा जो फ्लो है वो उनको एयर का और वाटर का मिलता रहना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, आप मैं इनको धीरे धीरे ऊपर कर रही हूं तो आप लिख लो, इसको पोज करके यहां से आप फिफ्थ क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद में हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। आप यहां पे इसको पोज कीजिए और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अपना लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू। सो क्वेश्चन नंबर टू में मैंने आपको दो क्वेश्चन आंसर दिए हैं, पहला आंसर ये है, इसको यहाँ पे कीजिए पॉज और देन राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स, ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट आंसर जो मैंने आपको बताया था वो है ये, इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे पोज कीजिए, जिसको ये सही लग रहा है आप वो लिख लीजिए। वैसे मैं एक बात बताऊँ तो जो पॉइंट्स में लिखा होता आंसर होता है ना वो ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। सो आप पॉइंट्स वाले को अगर ज़्यादा प्रेफर करना चाहें तो आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर्स यानी कि फिगर्स पे मूव करेंगे। ये दो फिगर्स मैंने आपको बताई हैं, इन दोनों में से आप कोई भी बना सकते हो, यहाँ पे पोज कीजिए और इनको बना लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर वन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर वन, इसको यहाँ से पोज कीजिए और इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट वी हम मिलेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 26 के साथ साइंस की क्लास 10 के लिए।